रोलर कोस्टर्स के बारे में सुना है आपने? वही राइड्स जो बड़ी तेजी से ऊपर क्लाइंब करती है और उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है। हर दिलचस्प कहानी इसी रोलर कोस्टर की तरह होती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बैक स्टोरी इंस्पिरेशनल ऑफिसर्स। आज ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं हम वन ऑफ द ब्रेवेस्ट IPS ऑफिसर इन इंडिया, अमित लोढ़ा। फरवरी सन 1974 अमित लोढ़ा का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट जेवियर्स जयपुर से की। बचपन से ही वो हार्डवर्किंग और एक्सीलेंट स्टूडेंट रहे हैं। स्कूलिंग के बाद ही उन्होंने IIT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी एंड ही वेंट ऑन टू ग्रेजुएट फ्रॉम IIT दिल्ली इन द ईयर 1995। अनलाइक अदर IIT ग्रेड्स हु वेंट टू वर्क इन MNCs और मूव्ड अब्रॉड फॉर बेटर लाइफ, अमित चोज टू गो बैक टू हिज होम टाउन टू प्रिपेयर फॉर UPSC। बिकॉज ही ऑलवेज आइडियलाइज्ड मैन इन यूनिफॉर्म एंड उन्हें भी एक दिन खाकी पहननी थी जस्ट लाइक हिज नाना जी। पर सपने देखने में और साकार करने में बहुत फ़र्क होता है और ये चीज़ अमित अच्छे से जानते थे। शाही और अंडर कॉन्फिडेंट अमित को एक कॉन्फिडेंट और दबंग पुलिस ऑफिसर बनना था। जब उनके दोस्त बड़ी कंपनीज की लैविश जॉब, हाई सैलरी और बेहतरीन लाइफ स्टाइल का लुफ्त उठा रहे थे, अमित वॉज मेकिंग अ फ्रेश स्टार्ट। वो जयपुर में दिन रात एक करके इंडिया का टफेस्ट एग्जाम क्रैक करने की तैयारी कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, उन्हें पीयर प्रेशर को रेसिस्ट करना था और सोसाइटल प्रेशर के जाल से भी निकलना था। उनके खुद के पेरेंट्स उनको लेके कॉन्फिडेंट नहीं थे, फिर भी अमित पूरी निष्ठा से एक एक पड़ाव पार करते गए। फाइनली इन 1998 ही बिकेम एन IPS ऑफिसर इन द बिहार कैडर। उनकी असली राइड तो यहाँ से चालू होती है। राजस्थान में उनकी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद सन 1999 में अमित को नालंदा में एज SP पोस्ट किया गया। सिर्फ 25 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना कोई छोटी बात नहीं थी। नालंदा के बाद उनकी पोस्टिंग मुजफ्फरपुर में एज SSP हुई। सब कुछ तौर तरीके से चल रहा था, इवन हिज सीनियर्स वर हैप्पी, बट देयर वॉज अ सडन ट्विस्ट। गवर्नमेंट चेंज हुई और अंदरूनी तनाव के कारण उन्हें एक रिमोट लोकेशन की पोस्टिंग मिली। ऐसी पोस्टिंग जहाँ उन्हें ना बॉडीगार्ड दिए गए थे ना ही सैलरी। इस पोस्टिंग ने उन पर और उनके परिवार पर काफ़ी प्रभाव डाला। उस अनलकी पोस्टिंग के बाद उन्हें 2005 में बिहार के शेखपुरा नामक डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया, जहां उनका सबसे बड़ा टास्क था टू कैच द ड्रेडेड क्रिमिनल गब्बर सिंह ऑफ शेखपुरा। आफ्टर 3 months ऑफ कैट एंड माउस चेस, ही वॉज एबल टू अरेस्ट हिम एंड पुट हिम अंडर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सिर्फ गब्बर ही नहीं, अमित ने पूरे महातो गैंग ऑफ शेखपुरा को जड़ से उखाड़ दिया। शेखपुरा की पोस्टिंग ने उन्हें एक नेशनल हीरो बना दिया था। उन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, पुलिस मेडल फॉर गारंट्री एंड द इंटरनल सिक्योरिटी मेडल से सम्मानित भी किया गया। अमित ने शेखपुरा की पूरी वारदात को अपनी बुक बिहार डायरीज द ट्रू स्टोरी ऑफ हाउ बिहार्स मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल वॉज कॉट में डिस्क्राइब किया, जो 2018 में रिलीज हुई। एंड नेटफ्लिक्स ने ये बुक अडेप्ट की और इस पर एक सीरीज बनाई जिसका नाम था खाकी द बिहार चैप्टर। करंटली अमित इज पोस्टेड एज एन IG इन द बिहार पुलिस। अपनी कमियों को समझना और अपने स्ट्रेंथ पर खेलना आपको हर समय सफलता दिलाती है, और अमित ने भी बिल्कुल यही किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया। नॉट ओनली डिड ही एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स, ही मेड अप फॉर देम विद हिज हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस। होप यू गेट मोटिवेटेड बाय दिस रोलर कोस्टर राइड ऑफ अमित लोढ़ा एंड गेट इंस्पायर्ड टू बिकम समवन लाइक हिम। हम और बैक स्टोरीज लाते रहेंगे। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। Until next time.